अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? सो अभी थोड़ी देर पहले मैं उठ गई थी, उठ के मैंने कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स डालने वाले थे, जोर पड़ने वाली थी, सारा कुछ मैंने कर लिया। और आज के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज हमारा इफ्तार दावत। सो नॉर्मली क्या होता है कि जब किसी की दावत होती है तो वो आपके घर पर आते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन आज हमारा जो सीन है वो थोड़ा डिफरेंट है। वो ये है कि हम दावत तो ज़रूर कर रहे हैं, बट आज हम जा खुद रहे हैं। इस मुखी ने मुझे बहुत तंग किया जब से आगे बैठी है। तो सीन्स ये हैं कि इफ्तार की हम लोग सारी चीज़ें बनाएंगे जो भी हम घर पे आते हैं, जब कोई घर पे आता है तो उसके लिए बनाते हैं, लेकिन लेके हम खुद जाएंगे क्योंकि दावत जो है वो है दादी माँ दादाबू की। हम नहीं चाहते उन्हें किसी किस्म की जहमत हो आने की भी, तो हम चले भी खुद जाते हैं। सारा काम वगैरह जो भी चीज़ें वगैरह बनाने वाली हैं वो भी हम खुद ही करेंगे। सो दावत है लेकिन खुद जाने वाली दावत है। सो आपको दिखाते हैं कि सीन्स कैसे होते हैं। जो बनाने वाली चीज़ें हैं उनके ये कि मामा, मैं, मरियम, हम सब ने अपनी अपनी चीज़ें डिवाइड कर ली थी। मैं अपना जो भी लाने वाला था और बनाने वाला था बना चुकी हूँ। मरियम अपने पकोड़े बना रही हैं, मामा अपना खाना बना रही हैं। सो मैं आपको किचन के सीन्स दिखाती हूँ। सीन्स ये हैं कि हमने ये खरबूजा है इसको काट लिया है, साथ में हमने खजूर रखी है। ये ड्राई फ्रूट्स अभी सैलड में जाएंगे। ये बर्तन है जो कि हम चाहते हैं उन्हें आज हम ज़ीरो जहमत दें। यहाँ पर बन रही है चटनी जो मामा है उन्होंने बनाया है, मटन का सालन जो बहुत ही गर्म है। मरियम ने बनाए हैं पकोड़े, इसमें मैंने चटनी ऐड कर दी है सब कुछ कटिंग करने के बाद। ये हमने पकोड़े रखे हैं, ये हमने चना चाट रखी है और ये हमारे खरबूजा। और अभी हम इसमें रख रहे हैं फ्रूट चाट। इसमें ऐड कर लेते हैं हम लोग कुछ ड्राई फ्रूट्स, इसको पैक कर लेते हैं। देन हमारे पास है मटन कौरमा, देन मटन बिरयानी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पैक कर ली हैं। अब हमारे पास लास्ट आइटम है जो कि फ्राइड चीज़ें हैं, जिसमें हमारे पास समोसे और रोल हैं जिनको हम ऐसे ही लेके जा रहे हैं, जाके ऑन द स्पॉट इसको फ्राई करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग रेडी होके निकल आए हैं और अभी इफ्तार होने में 30 मिनट्स हैं, सो हम इजीली पहुंच जाएंगे। अभी हम लोगों ने फ्रूट्स वगैरह लेने थे वो भी ले लिए हैं, अभी स्प्राइट वगैरह चाहिए थी वो ले रहे हैं। लाइक हम लोग चाहते हैं कोई ऐसी चीज़ ना हो जो हमारे पास ना हो। तब मैं The next day. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन। सो फ्रेंड्स, लास्ट व्लॉग को मैं मज़ीद रिकॉर्ड नहीं कर सकी। सो आज का दिन कुछ ऐसा है कि ईद में जस्ट 2 or 3 days रह गए हैं। सो मरियम और हसन को कुछ चीज़ें चाहिए थी कैंट से, अभी हम उन्हें लेके जा रहे हैं कैंट ताकि जो चीज़ें उन्हें चाहिए वो ले लें। और मैं और जैन कुछ लेने में कम और कुछ खाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। सो देखते हैं क्या सीन्स होते हैं, जल्दी से निकलते हैं। अभी मम्मी सबसे पहले आई हैं बोनांजा सतरंगी और इतनी कोई खामोशी छाई हुई है, कोई बंदा बशर नहीं आज स्टोर पर, अल्लाह है भी करें। अनएक्सपेक्टेड था, मुझे ये था कि बहुत ज़्यादा रश होगा आज। यस मामा बिजी हैं स्टफ वगैरह देखने में, पसंद करने में। मैं मेजोरिटी ऑफ द टाइम बहुत ही बोरिंग होती हूँ शॉपिंग में क्योंकि मैं इंटरेस्टेड नहीं होती और मैं इससे बैठ जाती हूँ और फिर मामा शॉपिंग करती रहती हैं। हम लोग अपने सेकेंड पॉइंट पर आए हैं जहाँ से मरियम को कुछ बैंगल्स और ईद की चीज़ें लेनी है। मैं आपको दिखाती हूँ, कैंप में ये एक ही जगह है जहाँ से हमें ऐसी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, हमेशा मिलती हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ, ये हम लोग स्टॉल पे हैं। क्या चाहिए मरियम, कौन से कलर में चाहिए? चलो कहो उन्हें तुम्हें दिखा। लेकिन डिजाइन तरह वो वाला ना, और तो ना। मुझे लगता है वो दूसरे वाले ज़्यादा अच्छे हैं। नहीं, यस दिस वन। और एक नीचे वाले का थर्ड वाला। मैम दिस इज मोर प्रीटी। मामा किसकी चॉइस से एग्री करती? मामा आपने अपना न्यूट्रल फैसला देना तीनों में से मरियम के लिए। मरियम देखा, मेरी मामा की चॉइस कितनी अच्छी होती है। शर्म करो, शर्म करो। हन्ना मामा, मैं भी यही कहना चाह रही थी, बस अब आपकी अच्छी होती है। आप लोगों ने कभी भी कैसे नहीं काम कर गया था, मैं कहती हूँ सारे कट्टे ले लो, ले लो डब्बा भरा हुआ मेरा पहले भी। बस ये मामा की शॉपिंग है, ये तो क्यूट चीजें अट्रैक्ट कर रही है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये चेक करें, ये ला है रियली क्यूट। मरियम आपको कुछ इस तरह का लेना चाहिए? मेरा मामा मरियम को कम और मुझे इस तरह की चीजें ज्यादा लेके दे रही है, मतलब मैं जैसे बचपन में हूँ अभी भी पूरी शॉप में से ढूंढ के अजीबोगरीब चीजें खरीदती हूँ जो कि मैंने कभी नहीं पहनी होती बट मुझे चाहिए होती है। क्यूट चीजें, क्यूट।
जी ऐसे बैंगल्स जो हैं ये अच्छे लगते हैं। माँ ये मुझे खोल के पहनाए, मेरा साइज तो चेक करें पहले। मुझे लग रहा है खुली है मुझे, कुछ है ना गर्मी भी है। ठीक है साइज ठीक है, उतारना भी है। इसे छोटा सा चेक करवा दी, इससे छोटा वाला ज्यादा काम नहीं देगा। दिखाई तो सही, उसके हाथ में हड्डी भी नहीं है ना ये वाला। फिर देख, नहीं नहीं स्टाइल मुझे ये चाहिए। ठीक है एक तो मरियम का और मामा का आठ पटक्का कभी खत्म नहीं हो सकता, ना घर में ना घर से बाहर। सभी हम चूड़ियां ले रहे हैं मरियम के लिए। सो फ्रेंड्स अभी हम लोग घर वापस आके हैं और बहुत सारी जगहों पे जाना था लेकिन 1 o'clock होने की वजह से सब कुछ बंद हो गया। हमने जूस वगैरह पिया और हम लोग घर वापस आ। तो इस दफ़ा हमने ईद की कोई खासी तैयारी नहीं की, रीज़न आप सबको पता है, लेकिन छोटे बच्चों को बस थोड़ा सा राज़ी कर रहे थे कि अगर उन्हें कुछ चाहिए तो वो ले दें थोड़ा बहुत, नथिंग एल्स। और अभी हम लोग घर आ गए हैं, अभी मैं पी रही हूँ अपनी चाय क्योंकि एनर्जी लेवल बिल्कुल लो है। और आज आपके साथ अपनी सहरी शेयर करती हूँ। सो बेसिकली मैंने सोचा था कि एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम अपना सहरी सीन्स आपको दिखाएंगे, कौन क्या बनाता है, क्या करता है, कैसे होता है, क्योंकि उस टाइम पे सब आधे आधे नींद में होते हैं तो सब ने एक एक ड्यूटी ली हुई है कि कोई चाय बनाता है, कोई जूस बनाता है, कोई लस्सी बनाता है, कोई पराठे बना रहा होता है जो कि मामा ही बनाती हैं। सो आज आपको अपनी सहरी भी दिखाऊंगी। फ्रेंड्स मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि हमारे घर में सहरी में कौन कौन सा काम करता है, तो मैं आपको सबसे पहले अपने भाई से इंट्रोड्यूस कराती हूं। काम जरा चेक करें, जैन की ड्यूटी है लस्सी बनाना। सो जैन ऑन टाइम अपनी लस्सी बना रहा है और किचन की हालत को इग्नोर कीजिएगा, सहरी में कोई काम नहीं करता। जैसे हमारे घर में जब भी आलू गोभी बनी होती है ना, मुझे बिल्कुल खानी पसंद नहीं है सब्जी में, सब्जियां मुझे बहुत कम खानी पसंद है और ये तो बिल्कुल नहीं पसंद। तो मेरा एक इसका सलूशन होता है कि माँ मुझे पराठा बनाते, सो भी हम लोग सहरी में खाएंगे आज आलू गोभी का पराठा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमने आलू गोभी का मिक्सचर बना लिया, अब इसमें हम थोड़े से स्पाइसेस ऐड करेंगे ताकि मज़े के पराठे बन सके। फ्रेंड्स ये बन रहा है मेरा स्पेशल पराठा, मेरी सेहत का राज, बहुत सारा मक्खन और देसी घी। तो फ्रेंड्स अभी हमने सहरी कर ली, नमाज पढ़ ली और अभी हम जल्दी से सो जाते हैं और उठ के देखते हैं इत्तेकाफ वालों का क्या सीन है, कैसे सेटअप लगाते हैं और फिर इन्हें इत्तेकाफ बिठाते हैं। फ्रेंड्स मैं आराम पसंद इंसान हूँ, मैं कोई काम दुनिया की नहीं करती, दुनिया का नहीं करती। और मैं आपको अभी मामा का दिखाती हूँ, मामा क्या कह रही है, कह रही है इत्तेकाफ की तैयारी हो रही है, ये यहाँ से बांधने लग गए इसको, वहाँ तक जाएगी। आपको प्रिपरेशन दिखाती हूँ जरा क्या सीन होने वाले हैं यहाँ पर।